Hello my dear students, again very welcome to all of you in your physics class. And now we are going to start the new chapter, and according to the NCERT this is chapter number 5, laws of motion, Newton's laws of motion. And it is very important chapter, you know very well. Okay, ye chapter keval aur keval for this 11th physics syllabus ke liye hi nahi, for this complete syllabus the concept of Newton's law of motion are very important and very useful also. If you are going for rotational motion, if you are going for work power energy, if you are going for gravitation, if you are going for elasticity, aap SHM ki baat karenge, waves ki baat karenge, aap aage jaake electrostatic ki baat karenge, magnetism ki baat karenge, theek hai, kahin par bhi hum chale jaye, even light mein ya fir radiation mein अगर हम देखें तो वहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स के कॉन्सेप्ट काम आते हैं. तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, और सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं फोर्स, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम सबसे पहले फोर्स की ही बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहें तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स क्या है. ठीक है, वैसे तो 9th क्लास में जब हम मोशन पढ़ते हैं, हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर फोर्स का डेफिनेशन देखते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स इज़ पुश एंड पुल अप्लाइड ऑन एनी बॉडी. ओके, हम बात करते हैं फोर्स को जनरली ऐसे ही हम डिफाइन करते हैं, पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी बॉडी. ओके, अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स. पर हम एक और तरीके से समझ सकते हैं फोर्स का, एक और डेफिनेशन देख सकते हैं, क्योंकि फोर्स तभी तक वर्क करता है जब तक वो कहीं एक्सटर्नल बॉडी से पर एक्सटर्नली लगता है. इंटरनल अगर फोर्स लग रहा है तो नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा. ओके, तो हम अगर फोर्स को डिफाइन करें तो फोर्स इज़ एन एक्सटर्नल एजेंट. ओके, external agent which can or या तो वो कर सकता है या करने की कोशिश करता है, which can or try to change the position or shape of any body or shape of any body. Okay, that is called force. Okay, या तो वो उसकी position change करे या फिर shape change करे. तो जो position change करने वाला concept है वो हम first part में देखेंगे NCERT के, और shape change करने वाला concept है जिसको हम कहेंगे elasticity, वो हम NCERT का जो second part का first chapter है वहाँ देखेंगे elasticity, solid. Okay, तो या तो वो किसी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है या फिर पोजीशन चेंज कर सकता है. ओके, और करने की कोशिश करता है. अगर हम फोर्स की बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, ध्यान से हमको यहाँ पर समझना है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि हम पता है हम पहले से ही, तो उसे वैक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे एफ वैक्टर. अगर हम सिंपल एफ लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल F लिख रहे हैं तो ये F जो है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा. F उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज द वेक्टर नोटेशन. ये वेक्टर नोटेशन है उसका, F वेक्टर, और ये उसका मैग्नीट्यूड है. ओके, ये मैग्नीट्यूड है. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं. अगर हम यूनिट की बात करें, अगर हम यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट हमको पता है न्यूटन होता है. न्यूटन इसका SI यूनिट है. कौन सा यूनिट है? SI. और एक और हमारे पास डायन यूनिट भी होता है, और डायन इसका CGS यूनिट है. अगर हम इन दोनों में रिलेशन देखें तो 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 10^5 डायन होता है. ओके, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पहले ही डिराइव कर चुके हैं. और यहाँ पर अगर हम डायमेंशन फार्मूले की बात करें, अगर हम डायमेंशनल फार्मूले की बात करें
न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला होता है MLT-2, ये भी आपको याद रखना है। जब हम फोर्स की बात करेंगे तो डायमेंशन फार्मूला भी आपको याद रखना रहेगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं कि कितनी कैटेगरी में हम फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पर हम दो कैटेगरी में फोर्स को डिवाइड करेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एंड कॉन्टेक्ट फोर्स। तो अगर हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें, तो ये ऐसे फोर्स होते हैं जिनको किसी फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, which do not require any physical contact. ओके, फिजिकल कॉन्टेक्ट। और हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हम अगर बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो एक फील्ड फोर्स है। आप बोल सकते हैं कि ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स जो होते हैं आर फील्ड फोर्स। ओके, ये फील्ड क्रिएट करते हैं, ये फील्ड फोर्स होते हैं जो फील्ड बनाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये फील्ड बनाते हैं। इसलिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। सो दीज आर फील्ड फोर्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक दिस इज अवर अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ओके, और हमको पता है अर्थ जो है वो मून को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो फोर्स है इट आर नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है, फील्ड फोर्स है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जैसे हमारा न्यूक्लियस पे प्रोटॉन प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व करता है, इनका कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट जरूरत नहीं है। ठीक है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसमें कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी फील्ड फोर्स है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नेक्स्ट हम कैटेगरी देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी फील्ड फोर्स है। जैसे अगर आपने यहाँ पर नॉर्थ पोल लिया, यहाँ पर साउथ पोल लिया, ओके, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर किसी का टाइप के फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने अभी देखा फील्ड फोर्स या फिर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्टेक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात कर रहे हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की। अगर हम कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें, हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट फोर्स की बात करें तो विच रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टेक्ट। ओके, विच रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टेक्ट। ओके, उसके एप्लीकेशन के लिए फिजिकल कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर दे अप्लाइड फोर्स ऑन ईच अदर परपेंडिकुलर टू देयर कॉन्टेक्ट सर्फेस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। दिस नॉर्मल का मतलब हमको पता है ना कि नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का मतलब परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे एक बॉडी है, ओके, और इसके कॉन्टेक्ट में कोई दूसरा बॉडी है ना, ये बॉडी नंबर वन है, ये बॉडी नंबर टू है, तो बॉडी नंबर वन जो है इस पर बॉडी नंबर टू फोर्स लगाएगी एफ ऑन वन ड्यू टू टू, और बॉडी नंबर टू जो है उस पर वन फोर्स लगाएगी एफ ऑन टू ड्यू टू वन। तो ये बॉडी नंबर वन था, ये बॉडी नंबर टू था, है ना। तो हम एफ वन टू और एफ टू, दीज आर दी कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। सेकेंड कैटेगरी हम देखेंगे फ्रिक्शन फोर्स। ओके, अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स का मतलब क्या है भैया? जो दो बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करे। ओके, अगर हमने यहाँ पर एक बॉडी रखा है रफ सरफेस पे, ये रफ सरफेस था और इस पे बॉडी रखा और एफ फोर्स से हम इसको खींच रहे हैं,
तो यहाँ पर इस बॉडी पर एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कॉन्टेक्ट फोर्स ही है. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में इस बॉडी एम पर फोर्स लगेगा, दिस इज़ दी फ्रिक्शन फोर्स. तो ये फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है, ये ऐसे फोर्स है जिनको कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. इन फोर्स को समझने के लिए हमको कॉन्टेक्ट फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा. दिस आर दी कॉन्टेक्ट फोर्स. नॉर्मल रिएक्शन के और बहुत सारे हम अलग अलग केसेस देखेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट देखेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो यहाँ पर तीन कैटेगरी के फोर्स की हम ज़्यादातर बातें करेंगे. हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, हम बात करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स की, हम बात करेंगे टेंशन की, टेंशन इन स्प्रिंग की. तो ये सारे केसेस एक एक करके बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट हम एक एक करके समझेंगे. तो आपको आगे के लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. अगर आप चाहते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आगे आने वाले चैप्टर में भी हेल्प करने वाला है आपकी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बने, तो आपको लेक्चर मिस नहीं करना है. थैंक यू वेरी मच.